हेपेटाइटिस बी थी, अब क्लियर है। मैंने डॉक्टर साहब को अपने टेस्ट वगैरह सारे चेक करवाए हैं और उन्होंने बोला है कि ट्रांसप्लांट होना है। पहले मैं बिल्कुल ठीक था, मगर 4 माह से ना मसला बना है जिगर का। कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है, अभी आपकी कंडीशन अच्छी है, जितनी जल्दी हो सकता है आप करवा लें। डॉक्टर अच्छे हैं, अखलाक अच्छा है और बात करने का तरीका भी अच्छा है, सारा कुछ उन्होंने गाइड किया है जो मैंने पूछा है। हेपेटाइटिस सी का पेशेंट हूँ मैं और मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं। अब डॉक्टरों ने कहा था कि आप अपना जिगर जो है वो ट्रांसप्लांट करवाएं, तो मैं इसलिए इधर आया हूँ। अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल में बाराको में है ये, 17 मील मरी रोड पर। तो इन्होंने बहुत अच्छा मेरे साथ तावन किया है। इधर टर्किश की टीम आई हुई है, उन्होंने भी चेकअप किया और बहुत अच्छा चेकअप हुआ है। और यहाँ इधर हॉस्पिटल में किसी किस्म की कोई भी परेशानी का मुझे आकर सामना नहीं करना पड़ा। पाकिस्तान में सबसे कॉमन रीज़न फॉर लिवर डिजीज़ इज़ हेपेटाइटिस सी, मगर इसके साथ हेपेटाइटिस बी, अल्कोहल, ये सारे भी हो सकते हैं, बट पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी इज़ द मोस्ट कॉमन। आई हैव बीन डूइंग ट्रांसप्लांट सिंस 1998. So I know the situation in Turkey and I know very well how we started. So the most important part is to start. Yeah. I know the situation in Pakistan very well. You have a lot of patients and a lot of people are suffering from this disease. So you need a good start. So as far as I see, this hospital is the best place to start. I know it's a new hospital, but people wants to do something. So we should create a good service to people. You established a very beautiful hospital, but you need a collaboration. Right. And for me, Pakistani people and Turkish people are brothers. So we have to help to each other. We chose liver transplant to start this program with is because of the burden of disease. The prevalence of disease is so much and what is required, I think the facilitation to the people was very important. And in order, not only that we are providing the services, but we are trying to create a corridor of knowledge where we will train people, not only for our own hospital, but for the industry at large.